तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की मोस्ट वांटेड फिल्म सूर्यवंशी के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि सूर्यवंशी फिल्म जिसके अंदर आपको ताबड़तोड़ एक्शन देखने के लिए मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, कॉप यूनिवर्स का थर्ड पार्ट जिसके अंदर आपको अजय देवगन, कटरीना कैफ और दोस्तों अक्षय कुमार के साथ में रणवीर सिंह जैसे बेहतरीन एक्टर काम करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं कि इस फिल्म की रिलीज डेट एक बार फिर से चेंज कर दी गई है। तो दोस्तों अगर आप अक्षय कुमार सर के एक बहुत बड़े फैन है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए शुद्ध हिंदी में सबसे पहले। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं माय न्यूज़ की तरफ। वेल फैन, अगर हम बात करें सूर्यवंशी के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सूर्यवंशी फिल्म जिसको इससे पहले हम सबके बीच में ईद 2020 में रिलीज करा जाना था, पर दोस्तों इस फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई और दोस्तों फिर रिलीज डेट रख दी गई 24 मार्च। वहीं पर दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 24 मार्च के पहले हम सबके बीच में लॉकडाउन लग चुका था, जिसकी वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट एक बार फिर से आगे बढ़ा दी गई और दोस्तों फिर रख दी गई 26 जनवरी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी के मौके पे इस फिल्म को फिर से रिलीज करा जाना था, पर दोस्तों अब दोस्तों किसी कारण के वर्ष इस फिल्म की रिलीज डेट एक बार फिर से आगे बढ़ा दी गई है और दोस्तों अब रख दी गई है 2021 का अप्रैल। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अप्रैल के महीने में 2021 में इस फिल्म को रिलीज करा जाएगा और दोस्तों 26 जनवरी के मौके पर रिलीज होगी अक्षय कुमार सर की फिल्म की जगह फिल्म 83, जिसके अंदर आपको रणवीर सिंह काम करते हुए नजर आएंगे। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप सभी को पता होगा कि अप्रैल 2021 के अंदर अक्षय कुमार सर की एक और फिल्म का अनाउंसमेंट हो चुका था जिसका नाम था बेल बॉटम। अब दोस्तों अगर ऐसा होता है कि उस टाइम पर सूर्यवंशी रिलीज होती है तो मुझको लगता है कि बेल बॉटम फिल्म की रिलीज डेट को भी आगे बढ़ा दिया जाएगा। पर दोस्तों एक बात तो पक्की है कि अक्षय कुमार सर के फैंस को जब ये खबर मिलेगी और दोस्तों जब मैं ये खबर मैं उनको दे रहा हूँगा तो शायद उनको काफ़ी बुरा लगे, क्योंकि दोस्तों एक सूर्यवंशी फिल्म ही एक ऐसी फिल्म है जिसको ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा देखना चाहती थी, पर दोस्तों इस फिल्म की रिलीज डेट दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है। शायद तो दोस्तों अब इस फिल्म की रिलीज डेट ये 5वीं बार आगे बढ़ा दी गई है। वैसे दोस्तों आपको ये न्यूज़ कैसी लगी? अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए शुद्ध हिंदी में सबसे पहले, और दोस्तों अक्षय कुमार सर के हम ऐसे ही अपडेट आप तक लेके आ सकें। चलिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, ध्यान रखिए अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद।